पेज नंबर फोर्टी फोर ऑफ़ योर टेक्स्ट बुक्स द यूज ऑफ फोर्स प्लीज कम डाउन एज सुन एज यू कैन माई डॉटर इज़ वेरी सिक। बराए मेहरबानी जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप आ जाए मेरी बेटी बहुत बीमार है वेन आई अराइव्ड आई वॉज मेट बाय द मदर यहाँ आई इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू है और द मदर हु इज़ आई इन द स्टोरी द आंसर इज़ द डॉक्टर होम डिड द डॉक्टर मीट द मदर जब मैं पहुँचा तो मेरी मुलाकात बच्ची की वालदा से हुई अ बिग स्टार्ट लुकिंग वुमन स्टार्टर्ड खौफसदा फ्राइटन्ड अलार्म शॉकड एक दराज कद खौफसदा नज़र आने वाली खातून वेरी क्लिन एंड अपोलोजेटिक बहुत साफ सुथरी और माजरत खा अपोलोजैटिक रिग्रेटफुल सॉरी हु मेयरली सैड जिसने महज ये कहा इज दिस द डॉक्टर क्या ये मालिज है एंड लेट मी इन और मुझे अंदर ले गई जब मैं पहुंचा, तो मेरी मुलाकात बच्ची की वालदा से हुई एक दराज कद खौफसदा नज़र आने वाली ख़ातून बहुत साफ सुथरी और माजरत खा जिसने महज ये कहा क्या यह मालिज है और मुझे अंदर ले गई शीआडिड उसने मज़ीद कहा यू मस्ट एक्सक्यूज़ अस डॉक्टर वी हैव हर इन दिचन वेयर इट इज़ वॉम यह भी एक इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू है आप हमें माफ़ कीजिएगा मौलि साहिब हमने उसे बावरची खाने में बिठाया हुआ है जहाँ हरारत है इट इज़ वेरी डैम्प हयर समाइम्स डैम्प मीन्स मॉइस्ट यहाँ कभी कभार बहुत नमी होती है द चाइल्ड वॉज फुली ड्रेस्ड बच्ची ने मुकम्मल लिबास पहना हुआ था एंड सिटिंग ऑन हर फादर्स लैप नीयर द किचन टेबल और वो बावची खाने की मेज़ के नज़दीक अपने वालद की गोद में बैठी हुई थी यह भी एक इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू है वेयर वॉज द गर्ल सिटिंग ऑन हर फादर्स लैप ही ट्राइड टू गेट अप उसने उठना चाहा बट आई मोशनड फॉर हिम नॉट टू बॉदर मोशनड इशारा किया सिग्नल्ड जेस्चर्ड उसने उठना चाहा लेकिन मैंने इशारा किया कि वो जहमत ना करें आई कुड सी दैट दे वर ऑल वेरी नर्वस आई मी अप एंड डाउन डिस्ट्रस्टफुली डिसट्रस्टफुली डाउटफुली सस्पिशसली किसी कदर शक के साथ मैं देख सकता था कि वो तमाम बहुत घबराए हुए थे और मुझे बेयकीनी के साथ ऊपर से नीचे तक देख रहे थे एज़ ऑफ़न इन सच केसेस जैसा कि के ऐसे मामलों में अक्सर होता है वर नॉट टेलिंग मी मोर देन दे हैड टू वो मुझे उतना नहीं बता पा रहे थे जितना उन्हें चाहिए था इट वॉज़ अप टू मी टू टेल देम ये मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं उनको बताऊं देट वाई वर स्पेंडिंग थ्री ऑन मी यही वजह है कि वो मुझ पर तीन डॉलर खर्च कर रहे थे यानी डॉक्टर की फीस थी जो वो दे रहे थे उसे तो ये डॉक्टर की जिम्मेदारी थी कि वो उनको बताए कि उनकी बच्ची के साथ क्या मामला है डियर स्टूडेंट्स दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू द चाइल्ड वॉज फेयरली Fairly means clearly, eating me up with her cold, steady eyes. Steady means fixed. स्टेबल कोल्ड का यहाँ मतलब होगा जालमाना लड़की ने साफ तौर पर अपनी जालिमाना खा जाने वाली नज़रें मुझ पर जमाई हुई थी आप इसको यूँ भी कर सकते हैं लड़की साफ़ तौर पर अपनी जालमाना खा जाने वाली नज़रों से मुझे टिकटकी बांध के देखे जा रही थी एंड नो एक्सप्रेशन ऑन हर फेस वटैवर और उसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासुर नहीं था शी डिट नॉट मूव एंड सीम्ड इनवर्डली क्वाइट वो अपनी जगह से ना ही ली और वो अंदरूनी तौर पर पुरस्कून नज़र आ रही थी एन अनयूजली अनयूजली रिमार्कबली गैर मामूली अट्रैक्टिव ब्यूटिफुल खूबसूरत लिटल थिंक एक मामूली ख़ूबसूरत नन्नी मुन्नी बच्ची एंड एज strong एज अ हैफ़र इन अपेयरेंस और वो दिखने में गाय की बचिया की तरह ताकतवर बट हर फेस was फ्लैश्ड लेकिन उसका चेहरा सुरख था फ्लैश्ड रेड फेस्ड शी वॉज ब्रीदिंग रेपिडली एंड आई रियलाइज्ड दैट शी हैज़ हेड अ हाई फीवर उसका चेहरा सुरख था और वो तेज़ तेज़ सांस ले रही थी और मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसे तेज़ बुखार है शी हैड मैग्निफिसेंट मैग्निफिसेंट मीन्स स्पलेंडेड बलोंड बलोंड मीन्स गोल्डन सुनहरी हेयर गोल्डन हेयर बलोंड हेयर इम्पोर्टेंट एम सी क्यू है इन प्रोफ्यूजन प्रोफ्यूजन मीन्स अबंडस घने उसके शानदार घने सुनहरी बाल थे वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन ऑफन रिप्रोड्यूस्ड इन एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स एडवरटाइजिंग मीन्स पब्लिसिटी प्रमोशन एंड द फोटोग्राफर सेक्शंस ऑफ द संडे पेपर्स वो उन तस्वीरी बच्चों में से थी जिन्हें अक्सर इश्तारी औरक और संडे के और इतवार के अखबारात के तस्वीरी हिस्सों में पेश किया जाता है शी हैज़ हैड अ हाई फीवर ये भी ट्रांसलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है शी हेज़ हैड अ फ़ीवर फॉर थ्री डेज़ बिगैन द फादर इसको तीन दिन से बुखार है बाप ने बात का आगाज़ करते हुए कहा एंड वी डोंट नो वट इट कम्स फ्राम और हम नहीं जानते कि यह कहाँ से आया है माई वाइफ हैज़ गिवन हर थिंग्स यू नो लाइक पीपल डू जैसा कि लोग करते हैं मेरी बीवी ने इसको कई चीज़ें दी बट इट डजेंट ड एनी गुड लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ आप यूँ भी कह सकते हैं लेकिन उससे कोई अफाका नहीं हुआ एंड देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ सिकनेस अराउंड और यहाँ इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई है सो वी थॉट यू हैड बेटर लुक हर ओवर एंड टेलस वाट द मैटर इज़ लिहाजा हमने सोचा कि बेहतर है कि आप इसका मुआना करें और हमें बताएं कि क्या मामला है एज डॉक्टर्स ऑफन डू जैसा कि मोलजीन अक्सर करते हैं आई टोका ट्रायल शॉट एट इट टोका ट्रायल शॉट एट इट का मतलब होता है गेस्ट मैंने अंदाज़ा लगाया एज अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर आगाज करने के तौर पर जैसा कि अक्सर मौलजीन करते हैं मैंने नकतः आगाज़ के तौर पर या शुरुआत करने के तौर पर अंदाजा लगाया हैज़ शी हैड अ सोर्स रोट क्या इसका गला ख़राब है बोथ पेरेंट्स आंसर्ड मी टुगेदर माँ बाप दोनों ने मुझे इकट्ठे जवाब दिया नो नो शी सेज़ हर थ्रोट डजेंट हर्ट हर नहीं नहीं इसका कहना है कि इसका गला नहीं दुखता है ये वाला पैराग्राफ पंक्चुएशन के लिए इम्पॉर्टेंट है डज योर थ्रोट हर्ट यू एडिट द मदर टू द चाइल्ड क्या आपका गला दुखता है माँ ने बच्ची से पूछा बट द लिटल गर्ल्स एक्सप्रेशन डिडेंट चेंज नार डिड शी मूव हर आइज़ फ्राम माई फेस लड़की के तासुरात तब्दील ना हुए और ना ही उसने मेरे चेहरे से अपनी नज़रें हटाईं हैव यू लुकड क्या आपने देखा ये असल में डॉक्टर ने पूछा हैव यू लुकड क्या आपने देखा आई ट्राई टू सेट द मदर बट आई कोडेंट सी मैंने कोशिश की वालदा बोली लेकिन मैं देख नहीं पाई एज इट हैपन्स वी हैड बीन हैविंग अ नंबर ऑफ़ केसिस ऑफ डिस्थेरिया इन द स्कूल टू विच दिस चाइल्ड वेंट ड्यूरिंग दैट मंथ इतफाक से उस माँ उस स्कूल में जहाँ वो बच्ची पढ़ने के लिए जाती थी ख़ुर्नाक के बहुत सारे वाकयात हमारे सामने आए थे वी वर ऑल क्वाइट अपेरेंटली थिंकिंग ऑफ दैट अपेरेंटली मीन सीमिंगली आउटवर्डली ये पर्पल कलर में है तो मैं आपको बताता चलूँ ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने मुझे आज ज्वाइन किया है कि पर्पल कलर में जितने भी वर्ड्स मेरे पेज पर पे होंगे ये आपकी एमडी कैट वोकेबलरी में शामिल हैं तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम और एंटोनिम्स आप कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए एंड वी वर ऑल क्वाइट अपेरेंटली थिंकिंग ऑफ दैट और हम सब बज़ाहर उसी के बारे में सोच रहे थे दो नो वन हैड एज जेट स्पोकन ऑफ द सिंग अगरचे किसी ने अभी तक उसके बारे में बात नहीं की थी वेल आई सेड अच्छा मैं बोला सपोज वी टेक अ लुक एट द थ्रोट फर्स्ट चलें पहले उसके गले को देखते हैं आई स्माइल्ड इन माई बेस्ट प्रोफेशनल मैनर प्रोफेशनल मीन्स स्किल्ड एक्सपर्ट पेशा वाराना मैं अपने इंतहाई पेशा वराना अंदाज में मुस्कुरा दिया एंड आस्किंग फ़ॉर द चाइल्ड फ़र्स्ट नेम आई सेड और बच्ची का पैदाइशी नाम पूछते हुए मैं बोला कमऑन मेथलडा ओपन योर माउस एंड लेट्स टेक आ लुक एट जोस्ट रोड आए मथलडा अपना मुँह खोलें और हमें आपका गला देख दिखाएँ नसिंग डूंग कुछ भी नहीं कर रहा आ कमऑन चलें आए आई कोक्स्ट कोक्स्ट एनटाइस्ड कैजोल्ड फ्लैटर्ड पुचकारते हुए मैंने प्यार से पुचकारते हुए कहा जस्ट ओपन योर माउथ वाइड अपना मुँह खोलें एंड लेट मी टेक अ लुक और मुझे एक नज़र देखने दें लुक देखें आई सेड ओपनिंग बोथ हैंड्स वाइड मैंने अपने दोनों हाथ खोलते हुए कहा आई हैवेंट एनी थिंग इन माई हैंड्स मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है जस्ट ओपन अपना मुँह खोलें एंड लेट मी सी और मुझे देखने दें सच अ नाइस मैन कितने अच्छे आदमी हैं द मदर माँ ने लुकमा देते हुए कहा लुक हाउ काइंड ही इज़ टू यू देखें आपके साथ कितनी मेहरबानी से पेश आ रहे हैं कमान डू वट ही टेल्स यू टू आए जो वो करें जो वो आपसे करने के लिए कहते हैं ही वॉन्ट हर्ट यू वो आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे एट दैट आई ग्राउंड माई टीथ इन डिसगस्ट ग्राउंड मीन्स पीस ना नेश्ट डिसगस्ट नफ़रत हकारत लोदिंग डिटेस्टेशन इस बात पर मैंने हकारत से अपने दांत पीसे इफ़ ओनली दे वुडेंट यूज़ द वर्ड हर्ट आई माइट बी एबल टू गैट समवेयर अगर वह महज लफ्ज़ तकलीफ़ इस्तेमाल ना करते तो शायद मैं किसी नतीजे पर पहुँचने में कामयाब हो जाता बट आई डिट नाट अलाउ माई सेल्फ़ टू बी हरीड आर डिस्टर्बड लेकिन मैंने अपने आप को जल्दबाजी करने और परेशान होने से रोका बट स्पीकिंग क्वाइटली एंड स्लोली अप्रोच्ड द चाइल्ड अगेन अप्रोच्ड केम नेरर लेकिन धीमे और नरमी के साथ बात करते हुए मैं दोबारा बच्ची के पास पहुंचा। यह पैरा ट्रांसलेशन के लिए इम्पॉटेंट है एज़ आई मूव्ड माई चेयर आ लिटल नियर जूँ ही मैंने अपनी कुर्सी थोड़ी सी नज़दीक की सडनली विद वन कैट लाइक मूवमेंट बोथ हर हैंड्स क्लॉड क्लॉड मीन्स नोचना स्क्रैच्ड इंस्टिंक्टिवली, इम्पलसिवली आटोमेटिकली जबिली तौर पर या फितरी तौर पर फॉर माई आइज़ जो ही मैंने अपनी कुर्सी थोड़ी सी नज़दीक की अचानक किसी बिल्ली की हरकत की तरह उसके दोनों हाथ जब तौर पर मेरी आँखों को नोचने के लिए बढ़े एंड शी ऑलमोस्ट रीच्ड दैम टू और वो उन तक तकरीबन पहुँच भी गई थी इन फैक्ट शी नॉक्ट माई ग्लासेस फ्लाइंग हकीकत में उसने हाथ मार कर मेरी एनक उड़ा दी एंड दे फेल दो अनब्रोकन सेवरल फीट अवे फ्राम मी ऑन द किचन फ्लोर और वो तो अगरचे टूटी तो नहीं लेकिन मुझसे कई कदम दूर बावरची खाने के फर्श पर जागिरी बोथ द मदर एंड फादर ऑलमोस्ट टर्न दमसेल्व इन साइड आउट इन एम्बेरसमेंट एम्बेरसमेंट डिसकंफर्ट शेम शर्मिंदगी एंड अपोलॉजी अपोलॉजी माजरत रिग्रेट शर्मिंदगी और माजरत के मारे दोनों माँ बाप का बुरा हाल हो गया यू बैड गर्ल बदतमीज लड़की सैड द मदर टेकिंग हर एंड शेकिंग हर बाय वन आर्म उसको बाजू से पकड़ पकड़ कर हुए माँ बोली लुक यू वट यू हैव डन द नाइस मैन देखें आपने ये क्या कर दिया है कितने उम्दा आदमी हैं